वो दौर था बाबा आदम के जमाने का, जब लोग चाय पीना तो छोड़िए चाय किस चिड़िया का नाम है ये तक नहीं जानते थे। फिर धीरे धीरे फिरंगी इंडिया आए और चीन से चाय उठा कर ले आए। लोगों को चाय का चस्का ऐसा चढ़ा कि वो आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब वो दिन दूर नहीं जब चाय न पीने वालों को एलियन घोषित कर दिया जाएगा। अंग्रेज अपने साथ सिर्फ चाय नहीं लाए थे, वो अपने साथ पिकनिक नाम की चिड़िया भी लाए थे, जिसमें लोग घरों से ले गए खाने को किसी नदी किनारे बैठकर खाते हैं। पिकनिक लोगों को खूब भा रहा था, लेकिन एक चीज थी जो पिकनिक के स्वाद को ठंडा कर दे रही थी, और वो थी ठंडी चाय। यानी घर से ले गए चाय का पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाना। और इस समस्या के समाधान के लिए आविष्कार किया गया थर्मस का, जो इतनी कमाल की चीज साबित हुई कि गर्म चीज को गर्म और ठंडी चीज को ठंडा ही रखती है। आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं थर्मस का यूज तो जरूर किया होगा, इसलिए ये जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि फैक्ट्री में थर्मस भला बनता कैसे है। और आपके इसी अधिकार को पूरा करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो प्रोसेस, जिसमें आप जानेंगे थर्मस बनने का पूरा प्रोसेस, साथ ही इससे जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मस बनाने की शुरुआत होती है स्टील के इन पाइप्स को बोतल के साइज एंड शेप में काटने से, जहाँ स्टील के इन गोल गोल पाइप को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन से न सिर्फ काटा जाता है, बल्कि उसे कटिंग के टाइम ही बोतलों का आकार भी दे दिया जाता है। ये दोनों काम ये मशीन इतनी तेजी से करती है जिसका कोई जवाब ही नहीं। यहाँ से साइज एंड शेप मिलने के बाद बोतल को अगले स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ बॉटल्स पर एल्यूमिनियम की एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है, जो आगे चलकर इस बोतल को वैक्यूम करने में मदद करती है। अब सभी बॉटल्स पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने के बाद इन बॉटल्स को आगे एक ऑटोमेटिक मशीन में भेज दिया जाता है, जो इन एल्यूमिनियम चढ़ी हुई बॉटल्स को हीट कर देती है, जिसकी वजह से वह एल्यूमिनियम की परत बॉटल्स से अच्छी तरह से चिपक जाती है। बोतल बनाने के इस प्रोसेस में अब नेक्स्ट स्टेप है इन सभी बॉटल्स पर आउटर लेयर लगाने का। आउटर लेयर लगाने के लिए इन बॉटल्स को एक ऑटोमेटिक मशीन में फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद पहले से ही कमांड फीड हुए ये ऑटोमेटिक मशीन इन बॉटल्स के ऊपर आउटर लेयर चढ़ा देती है। आउटर लेयर के बाद अब बारी आती है इन मुर्दों में जान फूकने की, यानी अब इन बॉटल्स में वैक्यूम करके दोनों लेयर के बीच हवा को बाहर निकाला जाएगा। बॉटल्स को वैक्यूम करने के लिए एक हाई क्वालिटी वैक्यूम मशीन की मदद ली जाती है। वैक्यूम करने के बाद इन सभी बॉटल्स का टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर ये बॉटल्स पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, वरना बॉटल्स को खराब मान लिया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन बॉटल्स को वैक्यूम करने में कुछ गड़बड़ी तो हुई है। सभी बॉटल्स जब टेम्परेचर टेस्ट में पास हो जाते हैं, तब उन्हें अगले स्टेप में भेज दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक कोटिंग मशीन सभी बॉटल्स को अंदर से स्टेनलेस स्टील से कोटिंग करके आगे भेजती रहती है, जिसके बाद सभी बॉटल्स को फैक्ट्री के वर्कर्स कई स्टेप में साफ करते हैं, जैसे पहले कपड़े से सफाई और फिर एयर प्रेशर से सफाई। ये सफाई स्मूथ आउटर कोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सभी बॉटल्स अंदर से लगभग तैयार हो चुकी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता नहीं, इसलिए बाहर से भी अच्छा दिखने के लिए अब इन बॉटल्स पर आउटर कोटिंग की जाएगी, यानी कि बोतल को बाहर से मनपसंद कलर किया जाएगा। आउटर कोटिंग के बाद बॉटल्स के सैंपल लेकर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि सभी बॉटल्स पर आउटर कोटिंग ठीक से हुई है या नहीं। अब सभी बॉटल्स को फिनिशिंग देने के लिए उसे फैक्ट्री के अगले यूनिट में भेजा जाता है, जहां पर पहले से ही बॉटल्स में ऊपर या नीचे लगने वाले प्लास्टिक को तैयार करके रखा जाता है, जिसमें सभी बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट से चलकर आगे आते रहते हैं, और फैक्ट्री के वर्कर अपने हाथों की मदद से बॉटल्स के ऊपर और नीचे प्लास्टिक लगाकर उसे आगे भेजते रहते हैं। अब ये बॉटल्स करीब करीब तैयार हो चुके हैं, बस अपने आखिरी स्टेप में वर्कर इन बॉटल्स पे कंपनी का लेबल छाप देती है और बॉटल्स को उसकी दिलरुबा यानी धड़कन से मिलाने के बाद पैक करके आपके पिकनिक को एकदम झकास बनाने के लिए भेज दिया जाता है। थर्मस के बारे में फिलहाल इतना ही। मिस्टर टेकबुल के नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी बनते देखना चाहते हैं, आप बेझिझक होकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगली वीडियो हम आपके लिए उसी प्रोडक्ट की लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।